तो हेलो गाइस, तो वेलकम माय चैनल। तो गाइस आज हम खेले लेट्स गो पिकाचू जीओ वर्जन एपिसोड 2। तो गाइस आज के एपिसोड में हमें गाइस न्यू पोकन पकड़ना है और गाइस ब्रोक को भी आना है। तो चलो यार अपन चलते हैं आगे, और आज हमें न्यू पोकेमोन भी पकड़ना है। तो चलो आप चलते हैं, और आज के एपिसोड में हमें ब्रोक को भी आना है। तो आज तो एक एपिसोड में ब्रोक को हरा के रहना मैं, तो चलो गाइस चलते हैं अपने आगे। तो चलो अब आगे हमारे को यहाँ पे जाना है। कुछ पहले अपना पिकाचू का हेल्थ फुल करवा लेता हूँ, तो ये पिकाचू अपना कमज़ोर रखा है। तो चलो हम वीडियन सिटी पहुँच चुके हैं, तो चलो यार हम चलते हैं। तो गैस मैंने कुछ वीडियो में देखा है कि हमें ना यहाँ पे सैनी म्यू मिलता है 5 लेवल का। तो गैस चलो मैं उसी कैच करने जा रहा हूँ। तो चलो यार यहाँ पे इतने सारे पोकेमोन, तो चलो गैस मैं यहाँ पे ना पीजी को कैच नहीं कर रहा। यहाँ पे शिवाजी खड़ा है, वाह यार यहाँ पे शिवाजी क्यों खड़ा है। तो देखो गैस यहाँ पे हमको देगा अब सैनी म्यू। तो चलो गैस कैच करते हैं हम उस पर, वेरी स्पेशल वेरी यूजफुल एडवेंचर यूर जैसे गुड टैग गुड केयर गुड ऑलमोस्ट फॉरगेट। ओके ओके, तो गाइस हमें कैप्ट करने देगा कोई पोकेमोन। तो चलो गाइस हमें दे रहा है एक शाइनी म्यू। तो गाइस चलो कैच करते हैं शाइनी म्यू को। तो चलो पिकाचू मैंने एक ही पोकेमोन है बट मेरे पास, प्लीज कैच हो जाए। चलो तो गाइस इसको राज बस इसको कम ट्रांसफॉर्म, पिकाचू में ट्रांसफॉर्म हो गया। वाह ये तो बढ़िया टैग इसके पास, पिकाचू इज लाइटिंग मोड यूज ए टैकल। तो इसके पास अलग से टैक है, मुझे भी टैकल करना होगा। तो चलो इससे पहले अपने को मारे मुझे इसको कैच कर लेना चाहिए, भले कम बाद में करेंगे इसकी। तो चलो बैग का है, बैग अपने बैग में जाते हैं, इसको पूरा कैच कर लेते हैं। तो गैस चलो हमारे पास 10 पॉकबॉल है, आएगा तो उसकी एक पॉकबॉल में। तो गैस प्लीज कैच हो जाए एक बार, बस कैच हो जाए, कैच हो गया एक बार में शाइनी पोकेमोन म्यू लेजेंडर पोकेमोन। गाइस फर्स्ट स्टेप अपने सेकंड एपिसोड में कैच कर लिया। तो चलो गाइस एक शाइनी म्यू मिल गया। ओके चलो नीचे करो। चलो गाइस हम हेल्पफुल करा कहते हैं, यहाँ पे शिवाजी खड़ा है पता नहीं क्यों। तो गाइस पहले हम थोड़ी सी टीम जाकर आते हैं, अरे मैं इनके साइड दो। तो गाइस चलो मगर यहाँ पे गाइस मैंने वीडियो देखा, यहाँ पे मुझे बंदा 100 बल भी देता है, तो देख कर ले दो। तो यहाँ पे शायद तक वो यून लाइन ये मुझे सिखाएगा पोकेमोन कैसे पकड़ते हैं। अभी मैंने एक पोकेमोन पकड़ा है। ओके ओके ये मुझे सिखा रहा है ऑटोमेटिक ब्रेड। ओके जी जी बैठ सो, तो ये अभी हम दिखाएगा। तो चलो ये सिखा रहा अभी 5 लेवल का वीडल। वाह चलो ये बैग यूज़ कर रहा है, मेरा पोकेमोन नहीं लेना, मेरा पोकेबॉल शुक्र है इसने खुद का पोकेबॉल यूज़ किया। तो कैसे ये मेरा पोकेबॉल यूज़ करता मैं इसे ले भी लेता। तो चलो ये पोकेबॉल कैच कर रहा है, तो कैसे देखते कैच कर पाएगा। फिर ये हमें कुछ देता है, ये टीच टीवी से पता नहीं क्या होता है, ये हमें कुछ ऐसा देता है। तो चलो गाइस इसने दे दिया, तो चलो देयर इज वाट एंड नाउ। ओके ओके अब मुझे देता है टीच टीवी। चलो चलो अंडरस्टैंड वाट इज वे टीच यू अबाउट इट्स ओके ठीक है, कितनी बात करेगा। चलो गाइस इसको छोड़ो, अभी हमें गाइस शिवाजी से भी लड़ना है क्योंकि वो हमसे बार बार लड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे एक ट्रेनर होता है जो हमें देगा, ये बंदा देता है हमें 100 बल ग्लारीजन का पकड़। तो गाइस चलो ये हमें देगा अभी, तो धीरे से ना हमें 100 बल। तो गाइस आ गया मेरे पास 100 बल। गाइस हाँ मेरे पास 100 बल आ चुका है, ये एक वाटर टाइप पकवान है। तो पाउंड मेरे पास है इसके टाइप का। चलो गाइस अब चलते हैं अपने। तो गाइस अपने बाद में अपने ब्लास्ट टोइस रखने वाले हैं, तो फिर अपने इस 100 बल को रख देंगे पीसी में अपनी। तो गाइस चलो अपने फर्स्ट शिवाजी से लड़ते हैं पहले अपने। तो चलो यार मैं हील करा लेता पहले पकवान। तो गाइस मैं शिवाजी के पास आ चुका, ये अब हमसे बैटल करेगा। तो गाइस चलो ये हम इस मैं तो हरा दूंगा। तो गाइस मैं बैटल कट करने वाला हूँ। तो गाइस मैंने फाइनली शिवाजी को हरा दिया है, और ये गाइस मारा 6 लेवल को चुका है, और मारा पिकाचू और मारा म्यू वापस 7 लेवल का, और मेरा पिकाचू 6 लेवल को चुका है। तो चलो ये हमने इसको हरा दिया, तो जल्दी बात कर। तो गाइस आज तो हमें हराना ही है जिम लीडर को, ठीक है। ओके ये कुछ भी कह मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि उसने जैपनीज बोली है। तो चलो अपने चलते हैं अब हील करते। गाइस जैसे मैं पोकेमोन को देखो कितना
फील्ड बैक पकड़ने को उसका मेरे फील्ड बैक सोबल यार सोबल जो है मेरा पकवान ये कमज़ोर है तो भाई मैं देखता हूँ मुझे स्क्वाड टाइम मिलेगा तो फिर मैं स्विच करूँगा। तो चलो यार अब मैं आगे चलता हूँ, अब हील करा लेता हूँ। तो गाइस हम विरिडियन फॉरेस्ट में आ चुके, तो गाइस चलो अब जल्दी से हम जल्दी जल्दी चलते हैं। तो चलो यार अब चलते हैं, यहाँ पे ये बंदे हैं, यहाँ पे इन्होंने पोशन, यहाँ पे क्या मिला मेरे को पोशन। चलो गाइस हमें पोशन जरूरत थी और हमें पोशन मिल गया, यहाँ पे बलबाश हो रहा है। तो गाइस बैटल हो चुकी है तो चलो इसको हराते हैं। तो गाइस मैं ट्रेनर को हरा के आगे आ चुका हूँ, मुझे पोकेबॉल भी मिली है। तो गाइस मुझे यहाँ पे ये प्रोफेसर ओक कौन है, ये प्रोफेसर ओक है। तो गाइस मेरे से बैटल करेंगे, तो चलो यार इनको भी हराना पड़ेगा, बहुत मेरे को पंगा लग रहा है इनको हराने में। गाइस वीडियो मैं 10 मिनट में आने वाला हूँ। चलो गाइस इसको हराते हैं ओक को। चलो तो गाइस मैं फास्ट प्रोडर कर देता हूँ क्योंकि ये फिर जल्दी जल्दी हो जाए अपना काम। तो गाइस मैंने एक में जा रही हूँ, सारे एक में जा रहे हैं। तो नेक्स्ट पकड़ना है चार मिनट डरता अपना सोबल काम करेगा। तो वाटर गन चलो मेरा सोबल सीख चुका है। तो नेक्स्ट पकवान कौन सा है, नेक्स्ट पकवान बलबस हो रहा है तो अपना म्यू काम। तो गाइस मैंने हरा दिया प्रोफेसर ओक को, गाइस मैंने प्रोफेसर ओक को हरा दिया। और गाइस चलो अब हम इन्हें हराते हैं। तो गाइस मैं रीडन फॉरेस्ट पूरा स्किप करने लगा, तो गाइस मैं पूरा अब जाऊँगा नेक्स्ट शीट में तब मैं करूँगा। तो गाइस मैं फूल इतनी एक घंटे से गाइस मैं घूम रहा हूँ, मुझे कुछ भी रास्ता नहीं मिला। तो गाइस फाइनली मुझे रास्ता मिला है, अब मैं निकल भी चुका हूँ। तो गाइस हम पहुँच चुके प्यूटर सिटी में। तो गाइस चलो अब हील कराते हैं और हराते हैं अपने ब्रोक को। तो गाइस देखो मेरे लेवल तो तुम देखो कितने हाई हो चुके हैं, 11 लेवल को मैं लेके आया हूँ पोकेमॉन। अब बस हमें अब हराना है अपने ब्रोक को, अब फिर नेक्स्ट अपने मिस्टी को हराना है अपने को। तो गाइस प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना, मेरे कहना बोले तो गाइस लाइक सब्सक्राइब कर देना। और गाइस मैंने एक नई वीडियो डाली माइनक्राफ्ट के वाइल्ड अपडेट के बारे में, गाइस उसको जाकर देख लेना। तो चलो यार अब गाइस मैंने नया सेकंड चैनल भी खोला है नवीन बॉयज़ों पे, तो गाइस चैनल कमेंट में लिंक है, जाके भी उसको सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो गाइस अब वो रॉक की जिम आ चुकी है, रॉक की जिम। तो चलो मैं सोबल आके रख लेता, सोबल आ गई है। तो गाइस क्योंकि सोबल वाटर टाइप का होना है, ये कौन है, ये नो सो फास्ट, ये मेरे को ब्लू लग रहा है, गाइस ब्लू है ये, ब्लू ये हम ब्लू हमसे बैटल करे आप, बस हमसे बैटल कर ले, मैं चाहता हूँ ब्लू हमसे बैटल करे। तो गाइस जब तक मैं से बैटल करें मैं स्किप कर देता हूँ। तो गाइस हमने ब्लू करा दिया। तो गाइस चलो अब जिम में चलते हैं। तो गाइस चलो ये जिम में इतने सारे बंदे हैं, ब्रोक के पास इतना बड़ा होने। तो चलो यार अभी हमसे ये बंदा एक बंदा लड़ाई करेगा। तो गाइस इसको तो मैं 2 मिनट में हरा दूंगा, तो आ जा भाई जल्दी तेरे पोकेमॉन ला जियो डूडो। तो गाइस मेरा सोबल ने वाटर पल्स सीख लिया, तो अब हम बहुत जल्दी हरा देंगे इसे। तो गाइस चलो अब वाटर पल्स करके उसको मार देते हैं। फर्स्ट एक अटैक में जाएंगे सारे, एक अटैक में गाइस मैं बैटल्स। तो गाइस मैंने इसे हरा दिया, तो चलो गाइस हम अब ब्रोक को हराते हैं। तो गाइस बोल रहा है मैं आई एम ब्रोक जिम लीडर। चलो गाइस जिम लीडर तो अभी हम हारने वाला है मामूली ट्रेनर से। तो गाइस चलो बैटल हो चुकी है, अब इसको हराते हैं। तो ब्रोक दो कैसे खड़ा होगा इतने स्टाइल में, पहला पकन रायहन। चलो ओके ये 2 मिनट में हार जाएगा रायहन तब से। तो अब इसको मैं हरा देता, एक अटैक में जाने वाली है रायहन, एक अटैक में जाएगा पक्का, ये गया एक अटैक में। चलो गाइस चलो ये एक अटैक में गया, उस सोबल को इतने सारे एक्सपीरियंस मिल रहे। चलो और मेरा पिकाचू कितने लेवल का हो गया, और ओनिक्स आ रहा। तो गाइस चलो ओनिक्स को हराते हैं अपने, और ओनिक्स 16 लेवल का, ये कैसा हारेगा सैंडस्टॉर्म यूज सैंडस्टॉर्म। तो गाइस अपने थोड़ी थोड़ी हालत जाएगी अब सैंडस्टॉर्म से। तो गाइस ये वाटर पल्स में शायद एक बार में जाना चाहिए, क्या 2 बार में इसको जाना चाहिए, एक बार में इतनी जल्दी मैंने मार दिया से। गाइस वाह गाइस मैं चलो गाइस ये तो हारने वाला अब तो ब्रोक, तो इस हरा दिया से। अब न्यू 14 का हो गया, और पिकाचू 12 का हो गया, ओके ठीक है। अब जियो डूड वापस आ रहा है, तो मुझे स्विच नहीं करना पकवान। तो चलो अब आ गए ये जियो डूड 14 का है, जियो डूड को तो अपने आराम से हरा देंगे। तो चलो यार ये बराबर सैंडस्टॉर्म, यार हेल्थ मेरी थोड़ी थोड़ी जाने वाली है, मगर कोई नहीं हम इनको फेरी पर हरा देंगे। तो गाइस ये हार चुका है जियो डूड भी, एक एक में सारे जा रहे हैं सारे पकवान। अब हमारा भाई स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर है पकवान गेम में, तो चलो उसे हरा दिया। बस एक पोकेमॉन और पड़ा इसका, फिर हम
उसमें मिल जाएगा जिम बैज। तो गाइस ये कौन सा पकड़ना आ रहा है, मैंने पढ़ा नहीं कौन सा पकड़ना है। अच्छा इस ये शायद एक वाटर टाइप पकवान है ना, वाटर टाइप पकवान के लिए मेरे पास एक इलेक्ट्रिसिटी पकवान पड़ा है, तो पिकाचू में स्विच करना होगा। चलो गाइस तो मेरे पास पिकाचू अच्छा खासा है, तो चलो अगेन कर लिया मैंने इसको, वापस ले लिया पिकाचू। पिकाचू हराएगा से हमारा विड्रॉ। ये क्या फालतू से अटैक मारी, हेल्थ नहीं जा रही इसकी, डिफेंस मगर बढ़ रही है, फालतू अटैक नहीं है मैंने इसके, बहुत धीरे धीरे वरना हेल्थ जाने वाली है। तो गाइस अब इसको हरा देते हैं, अरे मेरी हेल्थ तो जा रही है। तो चलो गाइस ये देखते हैं मर पाएगा क्या थंडर शॉट से। तो गाइस जा रहा मर रहा है। तो गाइस मैंने इससे हरा दिया और हमारा पिकाचू भी जीत गया। तो चलो यार चलो हमारा सोबल के एक्सपेंशन 15 लेवल का हो गया हमारा सोबल, चलो ठीक है। और हमारा पिकाचू को भी एक्सपेंस मिल गया। फाइनली गाइस हमने हरा दिया जिम लीडर ब्रॉक को। तो चलो अब मेडल ले लीजिए जिसने हमारा जिम बैज। तो चलो अब ये हमें दे रहा है और ये कैसा हमें टीएम देगा साथ में। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एंड बाय।